सिरोही जिले के स्वरूपगंज में बीती रात एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और जानकारी के मुताबिक बीती रात को उपछठ का व्रत था और उस दौरान गांव की एक नाबालिग बच्ची बाजार में पैदल घूम रही थी। उसी दौरान एक युवक द्वारा इस नाबालिग से छेड़छाड़ करने की बात सामने आई है। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में गरबा चौक पर एकत्रित हुए और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठन से जुड़े लोगों के साथ ही क्षेत्र के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और बाजार में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पिंडवाड़ा DSP जेठू सिंह, थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। दरअसल ये सभी आक्रोशित ग्रामीण आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। DSP जेठू सिंह ने मामला दर्ज कर उसके बारे में आक्रोशित लोगों को बताया। इसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ और स्थानीय व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें खोली। इस दौरान माकुल पुलिस जाप्ता भी मौजूद रहा। हालांकि नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को देर रात को ही हिरासत में ले लिया था। पुलिस अब इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है।